आपके आईडी से ज्यादा मेरे चेहरे की जरूरत पड़ेगी वहाँ। सर सर मोदी जी आगे का चुनाव दक्षिण भारत से लड़ेंगे क्या? चलिए चलिए रेडी। नरेंद्र मोदी जी देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। मोदी जी ने बनारस से न केवल चुनाव लड़ा, बनारस का अभूतपूर्व विकास भी किया। देश का हर लोकसभा क्षेत्र ये चाहता है कि मोदी जी उनके यहाँ से चुनाव लड़े। और आज तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये कहते हैं कि मोदी जी के आने का इंतज़ार है, रात्रि भोज भी दे रहा हूँ। टिकटों की कमी पड़ गई है, इतनी लोकप्रियता अमेरिका में भी है। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उनके कारण आज उनकी लोकप्रियता दुनिया में सर्वाधिक है, देश में सर्वाधिक है। 2024 में कहां से चुनाव लड़ेंगे ये मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जहां से भी लड़ेंगे वहां की जनता और वो क्षेत्र अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा कि मोदी जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। मोदी जी के पास है क्या भाजपा इस पे दावा कर सकती है? किस पे? अगर लोकसभा फिलहाल शिवसेना के पास है क्या भाजपा इस पे दावा कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन दल, हम सब ने पिछली बार भी 2014 में 2019 में एकजुट होकर चुनाव लड़ा और अपने गठबंधन दल के सांसदों को जिताने का काम किया। हमारी प्राथमिकता एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 2024 में बनाने की है। हमने सदा गठबंधन धर्म निभाया है, आगे भी निभाएंगे। किस सीट पे गठबंधन का कौन सा दल लड़ेगा वो 2023 नहीं 2024 में तय होगा। सर संजय राउत ने आज भी बोला है कि दिल्ली में दो मस्ताने हैं और महाराष्ट्र में भी अभी दो मस्ताने हैं। इधर के चीफ मिनिस्टर और डीसीएम के ऊपर ही ये किया है। देखिए कुछ लोगों को काम तो कभी किया नहीं तो टीका टिप्पणी करके ही खबरों में बने रहने की आदत है। कभी लोकसभा का चुनाव लड़े तो पता चले। सर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चौथी पास राजा करके ये कहा गया है, उस पर आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पूरी तरह से विफल हो गई। वो जो ईमानदारी का मुखौटा पहने थे अब उनका भ्रष्टाचार का चेहरा दुनिया के सामने आया है। जिस सत्येंद्र जैन को वो ईमानदार आपला जिल्हा पालघर जिल्हा पालघर जिल्ह्यातील घडामोडी पाहण्याकरिता पालघर न्यूज नेटवर्क हे चॅनल जरूर पहा।